मैंने मेहंदी का जो पूरा है वो थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, कौन कैसे बनाना है, कैसे लगानी है, तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। सो चलिए मेहंदी लगाते हैं, अभी काफी वक्त हो गया है और अभी काफी टाइम हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो साइड में पूरा ऑयल है वो प्रॉपर ऑरेंज कलर का है, मतलब हमारी मेहंदी ने बहुत ही खूबसूरत रंग छोड़ा है। सो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने मेहंदी का कोन बनाने के लिए। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ दूध का पैकेट लिया है मैंने, ये ऑब्वियसली बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसको अच्छी तरह से धो के और जब आप कट करेंगे तो ध्यान रखना ये पैकेट इस तरह से होता है और यहाँ पे जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट को ही आपको कट करना है, वरना वो जॉइंट अगर आपके कोन के बीच में आएगा तो आपका कोन खराब हो जाएगा, इसीलिए उस तरह से। एंड ये मैंने गलती कर दी कि मैंने दूध निकालते हुए इसको ऐसे काट दिया, आप ऐसे काटेंगे तो और अच्छा है। सो दूध का पैकेट अच्छी तरह से धो के सुखा के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक सीजर, सेलो टेप, इसको इसमें डालने के लिए स्पून या बटर नाइफ, जो भी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एक्चुअली मुझे ट्राई करना था कि मेहंदी सही जमती है नहीं, होता है कलर आता है नहीं आता है। एंड जैसा मैंने आपको कहा था इस पे हल्का सा स्टेन आ जाएगा, तो एंड ये हमारी मेहंदी अच्छी तरह से रेडी है। तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि वैसे तो मैंने ट्रायल एंड एरर के लिए अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी, लेकिन ये अभी थोड़ी सी डल हो गई है तो मैं इसको दोबारा लगा लूंगी, क्योंकि ईद के लिए तो मेहंदी लगानी है। तो बचपन से ये सब टिपिकल लड़कियों वाले शौक बहुत ज्यादा रहे हैं। मेहंदी मैंने लगाना सीखा था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8th की जब समर हॉलीडेज थी पुणे में, तब मैंने मेहंदी लगाना सीखा था और मैं जाती थी, एंड इट वॉज अ सोर्स ऑफ पॉकेट मनी फॉर मी। फिर जब मैं अच्छा खासा लगाने लग गई थी तो मेरी जो मेहंदी टीचर थी उनको जब ऑर्डर्स मिलते थे तो मुझे साथ में लेके जाती थी, तो वो मुझे पार्ट्स बना के देती थी और मैं अंदर फिलिंग करती थी, तो वो मेरे पॉकेट मनी का बहुत अच्छा खासा सोर्स था। मैंने ये सब बहुत किया है, मैं थर्मोकॉल की कार्टून्स बनाती थी, अगर आपने मेरे को इंटरव्यूज देखे होंगे तो मैंने कईयों में मेंशन भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। एंड मैं देखती हूँ वैसे कई आप लोग भी बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हैं, एंड हाँ अभी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, ऑब्वियसली इतने साल हो गए हैं, बट आई थिंक ठीक ठाक लगा लेती हूँ। सो अभी हम कोन बनाते हैं। बहुत स्वीटली कमेंट किया है कि येस क्लोव ऑयल इज डज वर्क, सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट टाइम जब मेहंदी भिगोऊंगी तो मैं डेफिनेटली क्लोव ऑयल ट्राई करूंगी। सो कोन रेडी है, मैंने अच्छी तरह से इसको टेप लगा के पैक कर दिया है, अब इसको फिल करेंगे।
इतनी कन्वीनियंट हो जाती है ना, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर मिल जाती हैं, तो हमको आदत पड़ जाती है हर चीज़ बाहर से लेने की। लेकिन घर पे खुद चीज़ें बना के उनको यूज़ करने का और फिर उनका रिजल्ट देखने का मज़ा ही कुछ और है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हम अब भी उसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं कि वो छोटी छोटी सेविंग्स, वो छोटी छोटी मेहनत करके खुद से जो चीज़ों के रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने कोन जो है वो मेरा रेडी हो गया है पूरी तरह से। इसको पैक करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से, एंड अभी मैं इसी के ऊपर एक क्यूट सी कोई डिज़ाइन। सो चलिए अभी आज मैं कोई डिज़ाइन देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसकी हल्की हल्की छाप है, तो मैं सिर्फ सेंटर पकड़ के एक अरेबिक काइंड का डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसीलिए मैं कुछ देख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसमें ब्लेंड करना है, और अगर देखने बैठो तो एक अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत वक्त कि मुझे मेहंदी लगाना कितना कितना पसंद है। लास्ट ईयर शूट की वजह से जब मैं नहीं लगा पाई थी तो आप में से कितने, मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ करके कचरा नहीं करूँगी, सिर्फ ऊपर मजा आ रहा है।